अब आप उर्फी को पसंद करें या ना करें, लेकिन उर्फी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि उर्फी हर दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन कहा जाता है। ऑल्दो वो अपने अतरंगे फैशन सेंस के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि वो बड़े बड़े सेलेब्स को भी मात देती हैं। अब ट्रॉलिंग हो, रोस्टिंग हो या फिर तारीफ हो, उर्फी रहती तो सुर्खियों में है। इन दिनों भी उनके कुछ वीडियोज़ वायरल हुए। हाल ही में उर्फी जावेद फ्लाइट के दौरान हुई अभद्रता को लेकर सुर्खियों में आई थी। उर्फी ने अपने सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ा वीडियो भी अपलोड किया था। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर भी किसी शख्स ने उनको कपड़ों के लिए ट्रोल किया था। उर्फी भी इन सब के बारे में खुलकर बात करती है, कहती है कि उन्हें अब रोस्टिंग से फर्क भी नहीं पड़ता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि लोगों की रोस्टिंग या लोगों का उनके बारे में बात करने से उन्हें पैसे मिलते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब कितने पैसे मिलते हैं ये आपके जहन में जरूर होगा, तो उनकी इतनी कमाई है जितने गूगल के CEO सुंदर पिचाई की भी नहीं है। हैरानी तो जरूर हुई होगी आपको सुनकर, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये सच है। चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि दोनों की कमाई में कितना फर्क है। सबसे पहले तो ये कि उर्फी की कमाई का जरिया क्या है, तो उर्फी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया ही है। लाखों फॉलोवर्स उन्हें इंस्टा पर फॉलो करते हैं। इस वक्त 4.2 मिलियन फॉलोवर्स उनके इंस्टा पर हैं। यही कारण है कि उनके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स कोलैब करते हैं। इसके अलावा टीवी और रियलिटी शोज के जरिए भी उर्फी जावेद अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तरीकों से वो हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। इस तरह उर्फी की डेली इनकम 6.5 लाख रुपीस बनती है। वहीं सालाना कमाई 24 करोड़ की हो जाती है। उर्फी जावेद की मौजूदा नेटवर्थ करीब 172 करोड़ रुपीस आंकी जा रही है। वो सीरियल के हर एपिसोड का 40,000 चार्ज करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी अपीयरेंस के लिए करीब 30,000 रुपए चार्ज करती हैं। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट वो 150 करोड़ रुपीस की रियल एस्टेट को भी ओन करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली उर्फी का मुंबई में कालीशान फ्लैट भी है। उनके पास गाड़ियों का कलेक्शन है, जिनमें से एक उनके पास है जीप कंपास SUV, जिसकी ऑन रोड कीमत 25 लाख रुपए है। अक्सर उर्फी इस गाड़ी से ही सफर करती हुई नजर आती है। वहीं अब अगर बात करें गूगल के CEO सुंदर पिचाई की, तो 2022 में गूगल ने उन्हें 16 करोड़ रुपए की सैलरी दी थी। वहीं जैसा आपको भी बताया कि उर्फी साल के 24 करोड़ रुपए तक कमा लेती है। इस तरह उर्फी उनसे करीब 1.5 गुना ज्यादा की कमाई कर रही है। तो बहुत जल्द उर्फी ने ये मुकाम हासिल कर लिया है। नेटवर्थ के मामले में भी वो बड़े बड़े सेलेब्स को पीछे छोड़ती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई से भी ज्यादा उर्फी जावेद कमा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही सेलेब्स क्रिकेटर्स की नेटवर्थ जानने के लिए गुड रिटर्न्स के आप फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही यूट्यूब पर भी गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।